फाइनली मैं अभी संबलपुर में पहुंच चुका। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है बोर्ड लगा हुआ है संबलपुर का। इसी ट्रेन से मैं अभी जस्ट संबलपुर पहुंचा और आज मैं आप लोगों को संबलपुर को पूरे संबलपुर को मैं दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन जहां तक मेरे से हो पाएगा वहां तक मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए चलते हैं। तो आपको मैं अभी संबलपुर का जो स्टेशन है स्टेशन को थोड़ा दिखा रहा हूं। संबलपुर में जो है आज बारिश हो रही है बहुत ज्यादा, तो यहाँ पे वो काम नहीं बन पा रहा है। तो मैं भी संबलपुर से मैं कटक के लिए रवाना करूंगा कोशिश। दिखा देना चाहता हूँ ये जो पुल दिख रहा है आपको, ये बहुत ही बड़ा पुल है, बहुत ही लंबा है, कम से कम 2.5 से 3 किलोमीटर का डिस्टेंस ये पुल बना हुआ है। आप देख सकते हो इसका जो एरिया है कितना बड़ा एरिया है, आप इसको देख सकते हो। और ये जो नदी है आपको दिख रहा होगा, पूरा समुंदर टाइप से आपको दिख रहा होगा, बट एक नदी है महानदी, आप नाम तो सुने होंगे। ये जो है मैं इस वक्त महानदी के ऊपर खड़ा हूँ और ये कटक में है, ओडिशा कटक में है। मैं आपको दिखा दूँ ये जो पुलिया है, देख सकते हो कितना लंबा है और तो अभी मैं एक्चुअली जा रहा हूँ थोड़ा सा शॉपिंग मॉल में, और कटक का शॉपिंग मॉल में मैं जा रहा हूँ। देखता हूँ कुछ अगर मेरे लायक मिल जाए तो मैं उसको परचेस करूंगा, और इसके लिए मैं यहाँ से जगतपुर में हूँ, यहाँ से मैं बस लूंगा, बस लेके फिर ट्रेवल करूंगा। बादाम बाड़ी करके जगह है, उससे नियरेस्ट जो है आपका शॉपिंग मॉल है। तो मैं अब इस वक्त मैं जा रहा हूँ जगतपुर से बादाम बाड़ी के लिए, फिर उसके बाद जो शॉपिंग मॉल है उस जगह पर जाऊँगा। चलिए आगे क्या देखते हैं कैसा कटक जो शहर है कैसा है, चलिए देखते हैं। देखिए मैं जगतपुर से भी बस में ट्रेवल करूंगा बादामबाड़ी के लिए। ये देखिए यहाँ पे लिखा है नंबर 18। इस टाइप का बस आपको कटक में देखने को मिल जाएगा जिससे आप ट्रेवल कर सकते हो, ठीक है। इस टाइप से बस में आप ट्रेवल कर सकते हो, यहाँ पे आपको नंबरिंग दिख जाएगा बादामबाड़ी, देखो बादामबाड़ी लिखा है इसमें, ठीक है। वहां पे जाके आपको मॉल मिल जाएगा। ओके बादामबाड़ी के लिए निकल चुका हूँ और मैं यहाँ पे पहुंच के फिर आपको मैं आगे का दिखाऊंगा कैसे क्या है। इस वक्त मैं एकदम महानदी जो है उसके ऊपर से मैं क्रॉस कर रहा हूँ। ब्रिज देख रहा हूँ, महानदी ब्रिज है, ये महानदी ब्रिज है, ठीक है। इसके बाद 3 किलोमीटर आप बिलीव नहीं कर पाऊंगा, कल इसमें वॉक करके मैं सिटी को गया था। 3 किलोमीटर से मैं ट्रेवल करके डिस्टेंस में गया था। फाइनली अभी हम लोग कटक के जो फेमस मिठाई है क्या बोलते भैया इसको, चना पोड़ो ये अभी खाने वाले हैं भैया। हमारे लगा भैया मेरे लिए ना 100 ग्राम लगा दीजिए खाने के लिए, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा फेमस है भैया, देखिए बहुत ही खुश है भैया। ये ओडिशा का फेमस है ना मिठाई, इसका किलो मतलब कितने का मिल जाएगा अपने को, 250 ना। डेली बैठते आप कितने बजे बैठते हैं, मतलब 6 बजे बैठते हैं आप, ठीक है। मैं ले जाऊंगा घर जाते टाइम। तो अभी मैं इसको टेस्ट करूंगा चना पॉट को, बेटे आप देख सकते हैं कितनी ही डिलीशियस दिख रहा है। देखिए लाइट के सामने लगा के दिखाता हूँ, देखिए। ओके चलिए इसको मैं खा लेता हूँ, उसके बाद मैं आपके अगले। मैं जो अभी चना पॉट खा रहा हूँ आप देख सकते हो, चना पॉट खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। कटक या फिर ओडिशा में आप अगर आओगे चना पॉट ज़रूर टेस्ट करना, ठीक है। तो फाइनली अभी मैं जो हूँ कटक के KFC रेस्टोरेंट पे हूँ, और अभी मैंने ऑर्डर कर लिया है। अभी मेरा जो मेल है अभी तक रेडी नहीं हुआ है, मैं यहाँ पे बिल लेके बैठा हूँ। अभी थोड़ी देर में मेल रेडी हो जाएगा, फिर मैं यहाँ से पिक करूँगा और मैं उस मेल का मजा लूँगा, वो भी आपको दिखाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अभी मेल जो है हम लोग का रेडी है, और अभी हम लोग इसका मजा लेने वाला। और जो क्रिस्पी जो बर्गर है वो अभी तक रेडी नहीं हुआ है, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, बट कोई नहीं, इसका मज़ा मैं ले लेता हूँ, तब तक मैं इसको खा लेता हूँ। ओके
फाइनली हम लोगों ने कटक जितना भी घूम पाया, मैं मतलब काम के बीच में भी थोड़ा सा घूम के आप लोग के लिए एक वीडियो बना दिया हूँ, ताकि आप लोग को थोड़ा सा कुछ समझ आ जाए या फिर कुछ कुछ देखने को मिल जाए कटक का। तो फाइनली अभी जो लास्ट स्टॉप है, मैं जहाँ पे आके उतरा हूँ, और अभी मैं जा रहा हूँ अपने होटल में। ठीक है, होटल में जाकर रेस्ट करूँगा। बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ, क्योंकि मैं वीडियो बनाते बहुत ही मतलब सुबह से निकला था, बट थोड़ा सा दिखाते हुए लेट हो गया है। मीन्स ठीक है, मैं तक सा गया हूँ थोड़ा सा, लेकिन बहुत ही मजा आया कटक में। एक से एक चीज़ खाने को मिला मेरे को, नया आइटम खाने को मिला, जो मैं आपको वीडियो में दिखा दिया हूँ। तो ठीक है, बाय बाय, फिर से आप लोग के लिए कहीं नई जगह पे अगर जाता हूँ तो उस जगह वीडियो बना लेंगे। नंबर 4 पर आ रही है, योर अटेंशन प्लीज, ट्रेन नंबर 12073 हावड़ा भुवनेश्वर जन शताब्दी एक्सप्रेस इस जारी नंबर प्लेटफॉर्म रे किसी समय मध्यरे पहुंचिबो। यात्रीगण कृपया